हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। देखिए, हम चल चल के जा रहे हैं और ये देखिए हमारा कौन वेट कर रहा है। ये माया और सुनीता मासी हैं जो हमारा वेट कर रहे थे आधे रास्ते पे। और ये देखिए मैं भी जा रही हूँ और अपने आप को दिखा रही हूँ मैं कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के देखिए चल चल के जा रही हूँ, क्योंकि ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी आज हमें, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड का घर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और उनके घर में था आज गेट टुगेदर, तो हमें तो जाना ही था। सो हम लोग चल चल के जा रहे हैं क्योंकि हम कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए हम फटाफट चल के जा रहे हैं। तो बस हम पहुंच ही जाएंगे अभी। देखो कितना अच्छा लग रहा है मिर्ची का तो पौधा। वाह, ये देखो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको मिर्चियाँ दिखा रही थी कितनी सुंदर। हम लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, रील वील बना रहे थे, तो बस छत पे नज़र गई मेरी। ये देखिए मिर्चियाँ कितनी सुंदर सुंदर मिर्ची लगी हुई थी यहाँ पे, तो पूरा गुच्छा पड़ा हुआ था मिर्ची का, और वही मैं आप लोग को शूट करके दिखा रही थी। और ये जो फूल सा दिख रहा है आपको, इसको मरोटी कहते हैं, इसकी चटनी बनती है बहुत टेस्टी। और ये तो शायद आप लोग को पता ही होगा, अदरक का प्लांट है ये। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लांट लगा रखे थे फ्रेंड ने, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और तुलसी भी बहुत सारी थी, कड़ी पत्ता भी था, तो काफ़ी कुछ था। तो बस इसी के साथ उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। वैसे तो हमारे गेट टुगेदर में स्नैक्स और टी वगैरह होते हैं, लेकिन आज फ्रेंड ने हमारे लिए स्पेशल खाना भी अरेंज किया था, बनाया था खुद अपने हाथों से। सो हम लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं, बहुत टेस्टी खाना था। तो हम आ गए हैं घर पे, थक गए हैं, काफी लेट भी हो गया है, बस घर आ गए हैं। चाय वाय तो वहीं पी लिया था, तो बस यहाँ पे बैठे हैं ये रहे हम सब। और इधर चल रहा है मैच, बस फिर बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो बस दिवाली आने को ही है, तो बस मैं सफाई वफाई में लगी हुई थी, तो बस फेस टू फेस मैं अभी इस टाइम बात कर रही हूँ। अभी तो शाम का टाइम हो चुका है, खुशी चाय बना रही है किचन में। और मैं अभी इसलिए ब्लॉग स्टार्ट किया, मैंने दिन में स्टार्ट नहीं किया क्योंकि दिन में बहुत मैं बिजी थी आज। तो कल गेट टुगेदर मेरा कल था, जो मैंने कल की क्लिप आपके साथ शेयर की वो कल की थी, और आज है नेक्स्ट डे। तो बस आज मैंने किया सफाई घर की, क्योंकि दिवाली बस आने को ही है, अगले हफ्ते यानी कि संडे को तो दिवाली है। एक्चुअली मेरा प्लान था कि आर उसकी जब दिवाली की छुट्टी पड़ जाएंगी उसके बाद मैं सफाई शुरू करूँगी, क्योंकि सफाई जब शुरू कर दो ना आप, तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कितना घंटा लगने वाले हैं उसमें। तो और डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत थी मेरे घर को, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं था, तो इसलिए। तो उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता दूंगी कि मैंने क्यों नहीं किया था डीप क्लीनिंग। तो इसलिए फिर आर उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैं सफाई का अभियान शुरू कर देती हूँ। और फटाफट पर्दे वर्दे सब धोने थे मेरे को, पंखे वंखे साफ़ करने थे, तो बस मैंने वो सारा कुछ आज किया। और पर्दे धुल गए हैं छत में, अभी सूखे नहीं है वो, क्योंकि मैंने ड्रायर नहीं किए थे। ड्रायर करने से ना सिलवटें आ जाती हैं, तो मैंने धो तो मशीन में लिए हैं लेकिन मैंने ड्रायर नहीं किया उनको, तो वो ऐसे ही मैंने पानी निकलने के लिए लंबा लंबा करके रख दिया था, फिर उसके बाद पानी निकल गया तो मैं छत में सुखा के आ गई हूँ उन्हें। तो वो अब वो कल ही सूखेंगे, आज तो सूखेंगे नहीं अब वो, है ना। तो बस ऊपर ये देखिए पूरा खिड़की खाली है, ऊपर भी मैं क्या दिखाऊँ आपको, तामझाम पूरा ढका हुआ था मेरे पर्दे की वजह से। तो सारा कुछ उस रूम के पर्दे भी सारे मैंने धो दिए हैं। तो बस इसी के साथ, हाँ, डीप क्लीनिंग मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैंने सोचा था मैं दिवाली से पहले ना वाइट वॉश कराऊंगी। तो लैंडलॉर्ड को मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे दिवाली से पहले वाइट वॉश करा देना, तो उन्होंने ठीक है बोला था। तो जब मैंने कॉल किया, मैंने कहा इस वीकेंड में आप करा दो, तो फिर उन्होंने कोई रीज़न दे दिया कि हम नहीं करा पा रहे हैं, ये रीज़न है, बाद में करा देंगे। तो बस फिर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, उनके आगे अब क्या बोले। तो हमने बोला ठीक है, बट सफाई तो करनी थी क्योंकि दिवाली में सफाई करे बिना मन नहीं मानता, है ना। तो बस इसीलिए आज मैंने सारे जाले वाले झाड़ के अच्छे से, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था, तो साफ काफ़ी कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग हल्का फुल्का रह गया है, वो पर्दे लगाने से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगी, तो बस मेरा घर हो जाएगा टिच। तो खुशी चाय बना रही है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, बस अभी चाय पीते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है।
बस अभी जाती हूँ। ये देखिए सारे मेरे घर के पर्दे वर्दे सब निकले पड़े हैं। ये देखिए ये इधर के भी, और ये भी पूरा खाली खाली लग रहा होगा। ये देखिए पूरा रोड खाली है पूरा, है ना। तो बस उधर मेन डोर में ना मैंने क्या करा, मेन डोर में मेन डोर तो ऐसे, मेन डोर एक्चुअली क्या है, मेन डोर में मैंने पुराना जो मेरे पास पर्दा पड़ा हुआ था वो मैंने लगा दिया, क्योंकि मेन डोर ना बिना पर्दे के हो नहीं पाता। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलो ना तो फिर वहाँ गली सी है ना, तो आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो दरवाज़ा खुला रखो या कुछ रखो तो फिर अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने मेन डोर में एक सिंगल पर्दा मैंने लगा दिया है, तो जब सूख जाएगा तो फिर मैं वो हटा दूँगी और वैसे वो दूसरा वाला लगा दूँगी। तो बस आरुष देख रहा है कार्टून में बैठ के, और चाय भी आ गई है। तो बस चाय पीती हूँ मैं, फिर देखती हूँ क्या बनाना है, खाना वाना भी बनाना है, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं बाहर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, और जब ये ब्लॉग आएगा तब मेरे हिसाब से दिवाली होना चाहिए उस टाइम, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग वगैरह करूँगी इस ब्लॉग की। थोड़ा थोड़ा शूट किया हुआ है ब्लॉग, एक दिन का प्रॉपर ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना है ये, तो गेट टुगेदर का थोड़ा सा बनाया है मैंने, और थोड़ा सा फिर जो मैंने यहाँ पे पर्दे वर्दे हटा लिए थे सारा कुछ धो धा के, जो धोने में जो है जो खाली वाली पूरा पर्दे वर्दे धोए थे मैंने जिस दिन, उस दिन मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, फिर उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना कि इतनी बिजी जा रही हूँ मैं आजकल, और इधर उधर जाना, वैसे तो त्योहारों में सभी बिजी होते हैं पर मैं अलग तरीके से बिजी हूँ आजकल कुछ। बस मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं क्यों बिजी हूँ, बस कहीं जाना पड़ रहा है, किधर जाना पड़ रहा है, कभी किधर जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न आ रहा है, और मैं घर में बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और जो भी काम कर रही हूँ ना तो मैं ऐसे शॉर्ट नोटिस पे कर रही हूँ, ऐसे फटाफट कर रही हूँ ना कि शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शूट करने में आपको टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात तो शूट में तो कैसे करूँगी, एक्चुअली मेरा जो ट्राईपॉड है वो ना टूट गया है एक्चुअली, तो उसकी वजह से भी मैं ना कोई रेसिपी शूट कर पा रही हूँ अभी, बहुत टाइम लगता है। जो मेरा थोड़ा दूसरा सेल्फी स्टिक है उसमें अगर मैं उसको स्टैंड बना के मैं करती हूँ तो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है, छोटा सा है वो इसलिए मुश्किल होती है। तो ट्राईपॉड का काम ट्राईपॉड ही करता है वैसे तो, है ना, तो ट्राईपॉड कहीं पे सेट कर दो तो फिर वो शूट करना ईजी रहता है। तो एक्चुअली वो टूट गया है तो मुझे नया लेना है अब, तो जब तक वो नहीं लेती तब तक मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मेरी वीडियो बनाओ, ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि घर में कभी कौन नहीं होता, कभी कौन नहीं होता, जब घर खाली होता है तभी फटाफट क्लीन करने में ईजी रहता है। तो मैं इस हिसाब से क्लीन कर रही थी कि घर में कोई ना हो तो फटाफट सफाई कर लूँ, तो इसीलिए सफाई वफाई का कोई शूट नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। हालांकि ये देखिए पर्दे वर्दे सब लग चुके हैं सब, आज तो धनतेरस है तो अभी पूजा भी हो गई है मंदिर में, और बस थोड़ा सा और पूजा बाकी है, थोड़ी दिया विया जलाना है, तो पूजा मंदिर में हो गई है, बस दिया जलाना है, तो बस वो जलाएंगे अभी, खुशी जलाएगी अभी। तो बस इसी के साथ फिर बहुत दिनों से थोड़ा मेरे को कहीं जाना है, फिर मेरे को फिर निकलना है अभी, तो पेंडिंग वर्क अभी भी पड़े हैं मेरे जो मेरे को फटाफट निपटाने हैं। तो बस इसी के साथ मैं तो बिजी चल ही रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही चल रही हूँ अभी, लेकिन मुझे पता है सभी बिजी होते हैं दीवार के टाइम पे। तो बस इसी के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें और मज़े करें, अपने अपने लोगों के साथ दिवाली मनाएं। तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग जब आएगा तब दिवाली होगा, हालांकि दिवाली का शूट वूट मैं बाद में करूँगी, और वो बाद में आई थिंक या तो भाई टीका के साथ डालूंगी। दिवाली में कितना शूट होता है उससे पता चलेगा कि मैं वो ब्लॉग सिर्फ दिवाली का होएगा या फिर भाई दूज के साथ ऐड करके मैं डालूंगी, वो उसी टाइम मैं डिसाइड करूँगी, देखूँगी। क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट होता है मैं तभी शूट करती हूँ, मैं फालतू में ऐसे शूट करके नहीं दिखाती कि बस शूट करना है, आपको दिखाना है, आपको ब्लॉग देना ही देना है, इसलिए मैं शूट नहीं करती। कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ, तभी मैं हफ्ते में एक या ब्लॉग दो ही ब्लॉग डाल पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी शूट करके डाल सकती हूँ, हाँ, लेकिन अभी मैं नहीं शूट कर रही हूँ, मैं बस जो इंपॉर्टेंट होता है मेरी लाइफ में वो मैं आपको बताती हूँ अगर मैं शूट नहीं कर पाई।
अपडेट दे देती हूँ, नहीं तो फिर शूट करके मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंजॉय करते होंगे। तो इसी के साथ चलिए थोड़ी सी जो पूजा बची है दिया विया जलाने की, तो वो स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज धनतेरस के दिन हमारे घर में नया मेहमान आया है घर में, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी अनबॉक्सिंग अभी होगी तो खुशी के हाथों। तो बस उसी के साथ उसका भी तिलक होगा, वो भी टीका लगाएंगे हम उसको धनतेरस के दिन। तो बस उसी के साथ मैं अभी आपको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि वो क्या है। और पहली बार आया हमारे घर में तो बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो मैं खुश हूँ, तो फिर मैं आप लोग के साथ ना बांटूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। तो ये देखिए पर्दे वर्दे सारे लग गए हैं, ये रहा, और ये अंदर भी लग गया, और ये मैंने थोड़ा सजा भी दिया यहाँ पे थोड़ा सा ना डेकोरेट। ये टावल को इग्नोर करें और आरुष को भी इग्नोर करें। और ये देखिए थोड़ा डेकोरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं खड़ी है ये रही। गैस के चूल्हे में रख दिया दिया ये। तो इस तरीके से देखिए मैंने सजा दिया है दरवाजा। ये देखिए लाइटें, पड़ोसी की लाइट भी जल रही है और ये लाइटें जल रही है, और ये खुशी दिया रखी गई है। बस चलते हैं अंदर। तो बस मंदिर में भी जल चुका है दिया, आराम से अब खुशी करेगी अनबॉक्सिंग। जिसकी बात मैंने की थी वो है यहाँ पे, ये देखिए ये खुशी अपना अनबॉक्स। पहले टीका तो लगा ले, ये मैं कर नहीं सकती तो खुशी कर रही है, मैं दूर से ही शूट कर रही हूँ। हाँ टीका कर दे पहले। ओम बना दे, नहीं तो ओम भी बना सकती हैं पहले वो। हाँ ओम बना दे, ओम बनाओ। हाँ आता है ना बनाना, बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, इतना बड़ा है तो जो चल कोई नहीं। ऐसे बनता है ना, इसके ऊपर चंद्रबिंदु भी होती है क्या? हाँ कितना सुंदर बनाया तुमने, ठीक है। चलो अनबॉक्सिंग करो। ये लेके जा, साफ कर क्या पहले जहाँ उन्होंने टेप लगाया था ना वही काटा ना, वो तो कर जाए तो कर एक बार। लॉन्ग लाइफ हो इसकी और बस शुभ हो, इसमें जो भी काम करें बस अच्छा ही अच्छा हो। वैसे तो इसकी वारंटी बहुत अच्छी है पर फिर भी इसकी लाइफ बहुत लंबी हो। आरुष तालियां बजा, बहुत तेज हो गई है। ओ ये चलो तो ये रहा हमारा धनतेरस का सबसे बड़ा गिफ्ट खुशी के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये था हमारा धनतेरस का गिफ्ट खुशी के लिए, काफी टाइम से लेना था, बहुत जरूरत थी खुशी को पढ़ाई के लिए, लेकिन हमने लिया नहीं था ये सोच के कि हम धनतेरस के आसपास लेंगे। सो आज धनतेरस है तो बस हम लोगों ने ये ले लिया है, तो बस इसी को ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हमारे घर में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर सुझाव है कोई तो कमेंट भी करें। तो अगले ब्लॉग में मैं कुछ और नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगी, इस ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।
आ रहे।